अगर अभी तक आपने सोलापुरनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। सोलापुरनामा 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर के प्रभाग क्रमांक 8 बुधवार बाजार शनिवार पेट परिसर से एमआईएम के कट्टर कार्यकर्ता इमरान हवालदार ने दिया महापालिका के आयुक्त को निवेदन। प्रभाग क्रमांक 8 की बड़ी समस्याओं को लेकर दिया गया निवेदन, जिसमें बुधवार बाजार इकरार अली मस्जिद के सामने नाले में बढ़ती हुई गंदगी को रोकने की मांग की गई। पिछले कुछ दिन पहले उसी नाले के करीब रहने वाले एक 11 महीने के बच्चे की डेंगू से हुई थी मौत। इमरान हवालदार ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में प्रभाग क्रमांक 8 की अगर समस्या सॉल्व नहीं की जाती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए सोलापुरनामा 24 की एक रिपोर्ट। मैं चंद्रपेट से इमरान हवालदार। हमारे प्रभाग क्रमांक 8 में क्या शक्करपेट है, शनवारपेट है, छोटा सा हिस्सा पाशापेट है, तेलंगी पाशापेट। यहाँ पर मौला वकील साहब के घर के बाजू में जो उपहार बेकरी के वहाँ पर एक गटार का पुल है, वहाँ पर 3 से 4 फुट गटार के अंदर गाड़ अटके सो है, कचरा अटके सो है। क्या हम लोग कई बार न्यूज़ लगाए, कई बार बोले अधिकारियों को, नगर सेवकों को, वो लोग आकर भी देख कर भी गए और उससे यहाँ इकरा अली मस्जिद के सामने भी कचरा कुंडा और वहाँ पर भी 3 से 4 फुट गाड़ है। क्या वहाँ पर भी हम लोग अमर पुताले साहब को बोले, फिर एक मरतबा आपने माजी महापौर शोभा पंचेटी लाई, उनको भी हम बोले कि बोले ऐसा सही ये मोहल्ले की हालत बहुत ख़राब है। उसके बाद इकरा अली मस्जिद के बाजू में जो गली है वहाँ पे ड्रेनेज की लाइन फूट के पीने के पानी के अंदर ड्रेनेज का पानी जा रहा है, ऐसी पास आ रही है गंदी, लेकिन बहुत हालत ख़राब है वहाँ की भी। और उसके बाद जो उपहार बिक्री का जो गटार का फूल टूटे से, इसका परसों एक बच्चा 25 तारीख को एक बच्चा 11 महीने का बच्चा मर गया, श्रीकांत माधगुंडी उनका लड़का है। और हम लोगों ने इनको कई बार बोला है कि अभी लास्ट में हम लोग बोल के थक गए, नगर सेवकों को, अधिकारियों को बोल के थक गए। अभी हम लोग लास्ट में हमारे महानगर पालिका के जो श्री शंकर साहब कमिश्नर साहब हैं, इनको हमने आज निवेदन दिया। निवेदन देकर इन्होंने हमको दिलासा दिया है कि आइंदा ऐसा किसी के ये नहीं होगा। कल ही मैं आदमी भेजकर जल्द से जल्द कार्रवाई करता हूँ। और हमने भी बोला कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सीधा आंदोलन पर बैठेंगे, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यही हम कमिश्नर साहब से निवेदन किए। और हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द ये काम को पूरा हो, बस यही हमारा निवेदन है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम सैयद, द्वारा बाजार शक्करपेट का रहने वाला। हमारे यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है गटार की वजह से, तुम्हारा नाले की वजह से। नाले में तो 5 फुट 6 फुट कचरा जमा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन? प्रदूषण हो रहा है और तुम्हारा डेंगू हो रहा है। डेंगू से 6 महीने का बच्चा मर चुका है, श्रीकांत माधुगुरी इनका बच्चा मर चुका है, इसका जिम्मेदार कौन? और तुम्हारा क्या बोलते, अपना यहाँ पर कचरे और बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत बीमार पड़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? यही है मेरी तीत, इतना हो गया मेरा काम। मैं मौलाली नल्ला मंदू। तो हमारे यहाँ आज जो एक मसलावास है, तो एक बच्चे का इंतकालवास है और उसका इंतकालवास है, उसका नाम है श्रीकांत माधगुंडी। उनका बेटा 11 साल का है, तो उसके कार 11 महीने का, तो उसका इंतकाल हुआ। तो उसका कारण है कि रोड पर जो कचरा, दूषित कचरा और गटार जो काम भी हो रहा नहीं है, और पूरा चारों पैनल भाजपा के आए हुए हैं, मगर हमने उनको ऐसा बताया, फिर भी बताने के बाद वो काम करते बोल रहे हैं, कुछ कर रहे नहीं। तो हमने यहाँ पे महानगर पालिका पे आया है, निवेदन दिए हुए हैं और ये अर्जी लिख कर साहब को दे चुके हैं। तो उन बोले से कि कल तक रहेगा इंशाल्लाह। तो इसके आगे अभी कुछ भी नहीं हुआ तो हम सीधा आंदोलन पर ठहरेंगे। और ज़्यादातर वो कचरे के प्रदूषण से, गटार से लोगों को तकलीफ हो रही है और बहुत सी बीमार है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना है और डेंगू वगैरह हो रहा है, तो बीमार हो रहे हैं और ख़ास करके हमारे गली के लोगों की तकरारें बहुत सी आ रही है। तो हम निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए।